वही है गोल्डन कलर में, पूरी फिनिश है। HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र है, लेकिन टशन पे आ गए हम दोनों। डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे को यार। Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. What's up guys, welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. पता नहीं आज वेदर को क्या हुआ है, सुबह से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई विंटर शुरू हो गया। लेकिन अच्छा वेदर है, एकदम ठंडा ठंडा, इसलिए आज सोचा कि स्वेटशर्ट पहन लेते हैं, क्योंकि रोज़ शर्ट पहनता हूँ। आज स्वेटशर्ट पहनने का मन हुआ तो स्वेटशर्ट पहन लिया। अभी जो आपने चीज़ देखी वो थी चेंज पॉकेट किट, मतलब मैंने जो ऑनलाइन मंगवाई थी वही है गोल्डन कलर में, तो मैं अभी नहीं दिखाऊँगा। ईसनपुर यामा का जो सर्विस सेंटर था उसमें निकुंज भाई करके थे, उन्होंने रिसेंटली एक नए गैराज का ओपनिंग किया है, मतलब उनका खुद का ही है, तो जाते हैं उनके गैराज में और चेंज पॉकेट चेंज करवाते हैं। अक्षय भाई का कॉल पे कॉल आ रहा है, वो यशोदा नगर ब्रिज के नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में लेट हो गया थोड़ा। अरे यार अंकल जी जाओ। जो निकुंज भाई है उनको मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये बाइक ली R15 तब से मैं ईसनपुरी सर्विस करवाता था, अच्छे दोस्त थे हम। अच्छे भाई एड्रेस आ गया ना तो सीन हो जाएगा। बंदा पूछ रहा था मालूम है, वही ना डाल लो फिर मैं देख के तुरंत आप डिलीट मार देना। कोई नहीं, जल्दी से अनबॉक्स किया जाए, फाड़ डालो इधर से। ठीक है जैसे यार, एक ही है क्या? दो है, ये तो ब्लैक ही आता है, ये गोल्डन आता है। तो चेन का तो अनबॉक्सिंग कर लिया, अभी लगाने का सिर्फ बाकी है। गोल्डन का जो पॉकेट है पीछे का वो ब्लैक कलर का है, बाकी चेन और आगे का छोटा वाला वो गोल्डन है। तो देख लीजिए अभी ये ल्यूब लगा होगा। और ये रहे निकुंज भाई, कैसे हो? तो इनका ही गैराज है विक्रम, विक्रम भाई ये दोनों पार्टनर है। और पहले यामा में थे, मतलब जब से मैंने बाइक ली ना तब से इनके पास ही जाता था मैं, तो अभी सोचा चलो आज चेंज पॉकेट डलवाने इनके पास ही आते हैं, बस इतना काम हो जाए फिर अपनी बाइक ले लेते हैं। और ये पुराने वाली चेन, इसकी हालत देखो गई, पूरी फिनिश है, और वो छोटा अभी इस पॉकेट अंदर है, अभी वो भी निकलेगा। अक्षय भाई बोल रहे हैं टायर निकलने के बाद ब्रॉड दिख रहा है, बाइक वॉश करवानी पड़ेगी। देखो तो ये जो क्लच वायर है ये भी नया मंगवा लिया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें से एक तार टूट गया है, तो अभी इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो क्लच वायर भी नया मंगवा लिया और टायर भी खुल गया है, और उसमें बेयरिंग भी लगने वाले, बेयरिंग भी अभी यामा के शोरूम से मंगवा लिए। और चेन ये रही और छोटा पॉकेट वो रहा, और पीछे का तो लग गया पॉकेट बड़ा वाला, ये रहा ब्लैक पॉकेट तो लग गया। जॉइंट सारा है वो जॉइंट निकालना पड़ता है, उसके बाद में पूरी चेन पीछे से आगे ले गए। अभी गोल्डन तो दिख रही है, लेकिन अभी बाहर लेके जाऊंगा ना तभी दिखेगी, और बाइक तो पूरी गंदी हो चुकी है, वॉश तो फिर कभी करवाऊंगा। देखो चेंज पॉकेट लग गया, अभी बाकी है तो सिर्फ ये क्लच वायर चेंज करने का। तो अपना बाइक का काम तो हो गया, चेंज पॉकेट डलवाना था वो भी डलवा दिया, क्लच का वायर मतलब वो भी डलवा दिया। अगर किसी को आना है इस गैरेज पे तो एड्रेस क्या रहेगा निकुंज भाई? कैडिला ब्रिज, मैं तो जसोदा नगर से आ रहा हूँ ना इधर, तो कैडिला ब्रिज क्रॉस करके यूटर्न लेके यहाँ पे आ जाने का, मतलब ये रहा जसोदा नगर, मतलब यहाँ से आओगे तो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आने का, और सरखेज से आ रहे हो तो वहाँ से सीधा
और कॉन्टेक्ट नंबर मतलब जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और मेरा नंबर मांगने के लिए कॉल मत करना आप किसी को, अगर कुछ काम है बाइक रिलेटेड और कुछ भी तो निकुंज भाई को और विक्रम भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे जो कार्ड है वो दिख रहा होगा। और फिर से एक बार मेरा नंबर मत मांगना, और निकुंज भाई किसी का कॉल आए मेरा नंबर मांगे ना तो मेहरबानी करके मेरा नंबर रोक देना। तो अपना काम तो रही वो टीम, और वो बैठे विक्रम भाई वहाँ पे सामने। ओके तो अपनी ओके तो अपनी गोल्डन चैन लग चुकी है, थोड़ा बाइक को आगे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी उतनी नहीं दिखेगी क्योंकि जो वाइट कलर का ल्यूब लगा है ना वैक्स, उसके कारण अभी थोड़ा गोल्डन कलर नहीं दिखेगा। जब बाइक में वॉश कराऊंगा प्रॉपर तब अच्छे से दिखेगी, लेकिन बहुत बेस्ट क्वालिटी मिली मुझे। ओके तो ये हमारे सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बड़े भाई जैसे ही है कुलदीप भाई। और थैंक्स टू गॉड कि अभी बारिश बंद हो गई है, क्योंकि मुझे जाना है अभी मतलब कराई साइड, लेकिन रोड तो गीला है और हमारा बैग भी गीला होएगा पीछे से। मडगार्ड नहीं होता ना तो यही प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, चलो अपन मैनेज कर लेंगे, वहाँ पे जाके साफ़ कर लेंगे फिर से। अजय तो आ नहीं पाएगा। अरे बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र है, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र है, जिनको देखो वो चार गाड़ी नंबर एक्चुअल में HR गाड़ी नंबर है वो ना। आज सुबह दो तीन बार ये वाली रील्स आ गई मेरे इंस्टाग्राम में कि भाई लोग HR गाड़ी नंबर है, चार गाड़ी नंबर नहीं है, इसलिए सोचा चलो इसको भी ब्लॉग में ले लेते हैं। पर सही है गुरु। क्या गजब कार थी बस, ऑडी A3 रेड कलर बेस्ट ब्लैक अलॉयस, गजब लग रही थी। और लड़की चला रही थी कार, मतलब रेस तो नहीं लगा रहे थे लेकिन टशन पे आ गए हम दोनों। वो गई रेड वाली ऑडी, वो तो रेस लगाते लगाते इस साइड आ गया। मैं होता है अगर रास्ते में मिलती है तो बात कर लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन मज़ा बड़ा आया, वो रेस लगाती इधर तक आ गई, मैं भी इधर तक आ गया। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से कराई साइड, मैं मुड़ जाऊंगा राइट, वो पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन अच्छी रेस थी हमारी। ओके इट वाज अ नाइस रेस, आप लोग बोल सकते हो इट वाज अ नाइस रेस। अभी मेरे को जाना है इस तरफ, तो थोड़ा सबर कीजिए, पीछे ऑडी आ रही है बॉस, आ रही है। अपने को रेस नहीं लगानी है, मैं हार मार चुका हूँ, मेरे को रेस नहीं लगानी है, मैं नहीं लगाऊंगा रेस। वो आई पीछे ही आई ऑडी वाली, मैं रेस नहीं लगाऊंगा। यार कितनी तेज जाती है यार, मेरी तो 120-130 के ऊपर। मैं रेस नहीं लगाने वाला, मैं हार मान चुका हूँ, मैंने दोनों हाथ खड़े कर लिए बॉस, मैं रेस नहीं लगाऊंगा। मैं शांति से जाऊंगा, मेरे को रेस नहीं लगानी। उकसा रे लिए मेरे को यार। ऑडी A3 2.0 TDI मॉडल, अपने को कुछ लेना देना नहीं है इस मॉडल से ब्रो, अपने को सिर्फ जाना है। डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे को यार। इतना रेस लगा था उसके साथ में।
मजा आ गया। ओके सारी बातों को साइड में रखो, व्लॉग पे फोकस करते हैं। ये सारी बातें डिस्ट्रैक्ट कर देती है मेरे को, व्लॉग पे फोकस करते हैं अपन। चलिए I'm just going to say